हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में संविदा वर्ग 3 के हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में जो सिलेबस दे रखा है उसमें से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी एवं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारत तेंदु ने किस नाम से किया। क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारत तेंदु ने किस नाम से किया। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा द दुर्लभ बंधु। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारत तेंदु ने दुर्लभ बंधु के नाम से किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत तेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया। क्वेश्चन ये है कि भारत तेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ब अंधेर नगरी। ये इनकी रचना काफी बहुचर्चित रही है और ये इस पर जो इसका जो कथा वस्तु है वो है अपना जो भ्रष्ट शासन है उन पर इस उनकी इन कहानियों में बताया गया है कि कैसे भ्रष्ट शासन से नगर का पूरा ध्वंस हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चोर पंचासी का नाटक का अनुवाद भारत तेंदु जी ने किस नाम से किया। चोर पंचासी का नाटक का अनुवाद भारत तेंदु जी ने किस नाम से किया। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा विद्या सुंदर। चोर पंचासी का नाटक का अनुवाद भारत तेंदु जी ने विद्या सुंदर के नाम से किया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा स तप्त संवरण। इनमें बालकृष्ण भट्ट जी का ये तप्त संवरण नाटक नहीं है, बाकी बृहन्नंता, बेणी संहार और कालीराज की सभा ये सब बालकृष्ण भट्ट जी के नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत तेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ब व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। भारत तेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य क्या था, तो वो था व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का नाश करना या समापन करना, मतलब अंत करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है हमारा बी ऐतिहासिक। प्रसाद जी जो थे वो ऐतिहासिक वर्ग के नाटककार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा बी ध्रुव स्वामिनी। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्याओं को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया, तो वो ध्रुव स्वामिनी के नाटक में प्रस्तुत किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल रहा। क्वेश्चन ये है कि प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल रहा। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा स ध्रुव स्वामिनी जी। प्रसाद जी का जो नाटक है वह काफी सफल रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हरि कृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ब प्रसाद युग का। हरि कृष्ण प्रेमी जी प्रसाद युग के नाटककार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा स विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा स दशरथ ओझा जी ने। प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो नाटक लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, वो दशरथ ओझा जी के द्वारा लिखा गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा कोणार्क नाटक की रचना की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा मणि मधुकर। मणि मधुकर जी ने रस संगंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है। क्वेश्चन है कि मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा सर लक्ष्मी नारायण लाल जी की। लक्ष्मी नारायण लाल जी की मिस्टर अभिमन्यु किस नाटक मिस्टर अभिमन्यु यह रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मादा कैक्टस के रचयिता व नाटककार का नाम बताइए। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा
बी लक्ष्मी नारायण लाल। मादा किटनेस के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण पाल जी हैं, लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता कौन है या का नाम बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा द शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य, तो ये नाटक के रचयिता कौन है? वो है शंकर शेष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष की थी? मोहन राकेश जी का ये बहुत चर्चित इनकी यह रचना है आधे अधूरे, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो यह किस वर्ष लिखी गई थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा बी 1969। 1969 में आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश जी द्वारा की गई थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ब 1931। जो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त नाटक था उसका जो काल था वो था 1931। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नाटक जारी है रचना किस विधा की है? नाटक जारी है रचना किस विधा की है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा स कविता। नाटक जारी है यह एक कविता की विधा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दीपदान एवं बादल की मृत्यु नाम का संकलन किस एकांकिका के हैं? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा राजकुमार वर्मा जी। राजकुमार वर्मा जी के दीपदान एवं बादल की मृत्यु यह उनके संकलन है जो एकांकी है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। बादल की मृत्यु किसकी रचना है और दीपदान तो ये किसकी है? रामकुमार वर्मा जी की। पढ़ते थैंक यू फ्रेंड। ये जो है संविदा वर्ग के लिए भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर एसआई और संविदा का ये वाला जो पोर्शन है वो सेम पोर्शन है हिंदी साहित्य का, तो एसआई वाले भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।